भाई जम्बू का तोड़ पाट जगह जम्बू जम्बू की हाँ बताम्मा हमें नहीं जा रहा क्या बात होगी क्यों फुदफुदारा फुदफुदारा बता रही ये मेरे बस की बात नहीं रह रही जम्बू के अंगे का अंदाज हो जाएगा कुछ बात भी होगी बतावेगा भी बात भी बताऊंगा अरे बापू खुल के बताना क्या बात है खुल के सुन ले ये तो मौका मिल जाएगा कुश्ती है पूरी दुनिया की बताई अच्छा और जम्बू दिकट जाती इसमें जा बता दी चल है तेरे में गात इसके तुड़वावे का हाथ पांव कहीं ले जाके किसी बात कर रही खानदानी अंगाख हम पर तू खड़े हो पर काम पे लग जा ठीक है खड़ी हो जा जा फिर देखे के काम जुड़ा हुआ तनु सारे कुछ और ही काम करना है उसको पुश्ती की टाली कर ना 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 और कुछ बात नहीं जी मेरे पे करके ले हाँ खा ठा लू मां यहाँ तो फिर बड़े बड़े वे पड़ेंगे मुझे आज 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 यहाँ जम्बू क्या होगा प्रोग्राम पढ़ प्रोग्राम अच्छा चार बजे छह बजे लो कसरत चार तो छह बजे लो हाँ रोज आना कसरत करनी कुछ कम ना कसरत ज्यादा करेंगे क्यों करें सांझ को करेंगे फिर चार बजे तो सात बजे लो जो राजमाइश ठीक है ठीक ठीक है तोड़ नदीर आराम से आराम से आराम से हंगा ज्यादा आ रहा फिर क्या बांध ले चले देखने कितनी ताकत है हल्की रस्सी बांध रहा बदगी 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 सबसे पहलवान है कोई मजाक थोड़ी ना पहलवान नहीं कभी लगेगा भाई यार ठीक है कुत्ते से बन जाएंगे इंदर हाँ की बड़ी क्या डाला पट जगह तो की गनी भी आल गनी अलिया देखे बने कुछ की बड़े जम्बू अंगाख हाँ बात को ध्यान से सुन ले हाँ सुना निंगा जा यहाँ जा देख के दो नूकर बहुत बढ़िया आज कर कुद कर दे ऐसे से बाजू की गुड़े कर ली का सरत कसरत लग रही अरे माँ शरीर का पसीना ही नहीं टूट रहा फुट्टा का पसीना घी जम रहा तेरी छाती में तब फुट्टा का लगा रहो केला हूँ थार जो खाने की नहीं हो खुश की रही बन तो मेरी खातर तो दो चमचे घी घेर के एक लप्पो मखाने बोल दे तू बता भाई जम्बो के खावेगा अरे माँ तू एक बड़ा कटोरा घी का गरम कर ले मुझे लग रही है प्यास ठीक है हर डब्बा का प्यास को हाँ। मखाने इसका घी हाँ कर ले बस गरम हो रहा टिफन सही से पकड़ो तुम्हारे मखाने पूरी थाली ले लो ठीक है करारे तो हो गए ना काम कर सांस ले लेकर पी फंदा लग जा घी का दस का बहुत बुरा लगा घी का आराम से बैठ कर शर्मा एक काम कर ले ले तू भी कसरत कर महिला किताब तो तुझे ले आना हम तो खानदानी किताब वाले हो जाएंगे फिर कर पकड़ ले 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 जा ला दोपहर में बताओ क्या खाओगे खीर खीर घी घी दूध दूध में पका गया आधे दूध का घी गिरते इसमें और वो अपना 210 ले रखे सारा पीस काजू बादाम हाँ
कुई आवे इतना हंगामा लगाओ जी ने तोड़ लोगे फिर ढूंढते डर लोगे नी टी कहां से लावे ना ना इब्ते अरे के करे जब ताकत इतनी आ रही है के करे बापू शरीर टूट लिया मेरे की डाल तोड़ देना से बस अकड़ाट बने रहोगा हां हां एक काम कर चल लूट ले थोड़ी सी बात पहलवान को कसरत करके सोना चाहो ठीक है और मेरे के नेपा के लिए पकड़ गई अरे जंबू हां बापू मगा उठ जा कदलो आलकस में पड़ा रहेगा उठ के कुछ सरिया परिया मोड़ ले हाँ उठू बापू मोड़ू हाँ बापू हाँ मुझे ऐसा सपना दिखा कि जना आठ सूत का सरिया मन्ने हाथों पे लपेट लिया ऐसा है जंबू तू दिन में जो काम करेगा वो तो दिन उक्का नहीं रात को दिखेगा सपने में यही चीज दिखे जो मनुष्य दिन में करे मजे इन लोग घनी पर रात को दिखियो जा जन पहलवान धर लिया था पर मारा चित बापू मुझे एक बात बता हाँ। तने पहलवानी चितपट की लड़ी या नंबरों की लड़ी कुश्ती तो मैं सारी लड़ी चितपट की तुम बापू बैठे दोनों ऊपर को पां करे यार तुम चित पड़े हो बैठे हो जाओ अरे मां गले पड़े चैन चैन बोल रहा शरीर अरे बच्चा एक कटोरा घी पी गए तुम बापू बैठे है तले वाले मखाने खा गया जब भी शरीर अकड़ गया थारा अरे बीच में वो हो जाने छोड़ दे मनु जी पकड़े पकड़ जाएंगे भाई रेस पहले बोल तू अपनी चिटपट की बताता रहे जंबो को किसी और की भी बता दे कर अपनी तिनेरी और किसकी बताऊं तुम उसकी बताओ ना बात जो थारे गांव में वो बगल में हाथी देखे घूमे था अच्छा उसकी बापू कौन था तुम्हारे गाँव का जो बगल में हाथी रखा वो था अंगाग वो भी मेरे कुंड पे गई था अरे बापू मारे कुंड में ऐसे ऐसे भी आदमी नहीं सारे ऐसे थे एक थे खगड़ था और एक उस थे भी ठाटा था तुम उसकी छोड़ दो पहले ऐसे हाथी वाले की तो बता दो जम्बू हमें हाथी के भी कहते हैं तो बापू सारी बात छोड़ो तू मुझे हाथी बाबा की कहानी सुनो वो तेरा बाबा था ना हाथी उसने काख में दे दे के वो हाथी मारी दिया वो हाथी के कहते बापू अब हाथी को काख में दे के मैं भी चुकूंगा पहले तो उठ के तुम रोटी खाओ बापू बेटा फिर उस अखाड़े को जगा खाओ और वो बात बता देना इसे अच्छा वाह चल एक इसकी सुन ली अपनी माँ के काम की जिम मैं गया बारात में वो तेरा नाना बोल लिया अखबार में एक बार वो देखेंगे हंगा तो उन्होंने पता क्या किया एक 10-11 हाथ गहरा गड्ढा खुदवा दिया उसमें क्वालिटी गेर थी और मजा कर लगे लगा छोरे तू काट ले इन मजे की लगे था मैं तो आप पकड़ के ऊपर तो उसको पहले तुम रोटी खाओ ठीक मिट्टी में आके खाओगे पहले हम खड़ा जगा करोगे ठीक ठीक बात जम्बू खड़ा जगा करोगे पंडित जी चलो दीवा बलवा को खाड़े में चलो जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय बजरंग बली जम्बू अंगाक जिंदाबाद जम्बू अंगाक जिंदाबाद जम्बू अंगाक जिंदाबाद बजरंग बली की जय बजरंग बली की जय की गोड़े पंडित जी आज आगे हो लो तुम पीछे पड़े जम्बू अंगाक जिंदाबाद जम्बू अंगाक बताओ यू के ड्रामा कर रखा यू अरे ड्रामा बता रहा सिब्बन खाड़ा से जगान जा अच्छा ठीक है जाओ जगाई आओ अरे ढोल पिटेगा ढोल अरे जम्बू भाई ढोल अपने नाम का पिटवा रहा है अपने बापू के नाम का सिब्बन इबलो तो ढोल पिटेग रहा था मेरे नाम का इब जम्बू अंगाक के नाम का पिटवा रही अच्छा अपनी जगह जम्बू का ढोल पिटवारा ओए सिब्बे जम्बू को दुनिया जाने है दुनिया अरे सिब्बे सारी चुस्की आज ही लेके जागा मगा कुछ फेर ले लिए तजे ब्यारा ना आई भी तजे साबित को धरती में तार देगा जम्बू जम्बू अगाक जिंदाबाद जम्बू अगाक जिंदाबाद की घोड़े नहीं जम्बू इस अंगे की जाल को थाम बिल्कुल नहीं बापू झाल थमनी नहीं आंगे की मैनू को पीजा से अंके ही पीजा अरे तब तो ना क्यों थमवा दी इसकी झाल एक बार हन देता ना तू थम मैं जो कह रहा वो कर
आंगे की जाल ऐसे रोक ले मान जा भाई। एक बार दीवा बाड़िया में एक बार खाड़े में दीवा सा बाड़िया में और आके तेरी भी सुनेंगे। आओ बा पंडित जी आओ। जम्बू जिंदाबाद, जम्बू अंगाद जिंदाबाद, जम्बू अंगाद जिंदाबाद। पंडित जी दर्द दीवे को जहां चलो वही खाड़ा खुद जगह वही लंगर गट जगह। बाबा हट जाओ खन चलो अकीर आइए की हो रहे ले बा खुद कौन हाथ जोड़ ले बा लंगर के आगे बापू। हाँ अब बता क्या करना मुझे। ये मैं जो कुछ कमा वो कर दे। हाँ। चर्रू खुंटू में मिट्टी फेंक दे। ठीक है क्यों हो रहे ये बुरा आजा मैं तेरा खाईड़े की मिट्टी का तिलक करूं। क्यों हो रहे अब खूब फला दिया पहलवानों में खोप फला दे खोप फेंक लिया। ठीक है ना ये मैं तेरे पे वचन भरवाऊंगा। भरवा भरवा लूं भरवा भरवा लूं भरवा ले देख लिए देख लिया। 25 साल से पहले ब्याह नहीं करवावे ना करवाऊं ब्रह्मचारी रहूंगा। ठीक है ना। हाँ चाय नहीं पीवे चाय बंद बीड़ी नहीं पीवे बीड़ी तो पीता ही नहीं। ठीक है ना। हाँ पहलवान दारू भी बहुत पीने लगे फिर दारू तो पीवा ही नहीं हम दारू तो हमारे खानदान में नहीं पीवे। ठीक है ना। हाँ हाथी के बच्चे को सुखा के मारना नु बीच बीच के उठ के मार दूंगा उठ के। जम्बू हंगाक जम्बू हंगाक एक भी गलत आदत नहीं सुन लू तेरी ना बंद है। यू नुक्को नहीं लहरना चाहिए झंडा यू परचम नहीं लहराता रहेगा हमेशा। ठीक है चल एक बार मिट्टी ठा के फेंक दो ऊपर। चलो कोई आओ कोई आओ धरती के तख्ते पे धरती के तख्ते पे कोई आओ। चलो पंडित जी चले चलो आओ बा चलो बा जम्बू 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 की माँ कर देती लो मैंने भी कर लिया। बाबा तुमने इतनी वार कर दी वहां जम्बू से मिलने वाले आ रहे कोई दिल्ली से कोई आगरे से कोई सादरे से और मैंने तो उन्होंने कह दिया अखाड़े में है अभी गाड़ी यहाँ खड़ी कर गए वे तुम्हें मुझे लगा देखने गए दिखे हैं। अच्छा जम्बू वही बात बनी की। हाँ ये तो दिवाई बढ़िया। हाँ लोग भी लाइन लग रही दिल्ली से अंदर आ जाओ भाई सारे दूध पी के जाइयो। जम्बू हो खेड़ा आ जाओ लाल पाड़ा आ जा बापू गाल पाड़ा कबड्डी चल रही है कबड्डी 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 जम्बू पाट देगा ले गया नंबर। हाँ। देख ली थारी कबड्डी जम्बो तुम हाँ? बापू की ओर हो आ जा चल तू खेल लेगी। हाँ मैं खेल लूंगी फिर लड़ जाए आज खेलते चल रहा है चल चल रहा चल आ जा आ जा। कबड्डी 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 कबड्डी।
चलो कबड्डी 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 ऐसे बापू बेकार लग रहे हैं पानी जम रहे बिल्कुल भी जीत गया बापू कहाँ जीत गया लग रहा है पहलवान बापू बेटे कैसे वहाँ बंदर की तरह कर रहे हो यहाँ है मेरा पाला हर बस की ना खेलना जाओ ये तो बापू हाई फाई भाई हाई फाई चलो थारा घी ठंडा हो जाओगा चल रे जम्बो चलो अरे भाई डर क्यों रहे ताऊ जंबू का है जंबू तो भीतर ही रोक रखा भाई बाहर तो मैं गिरा था वो ना ना ये बिना वे बाहर मैं बाहर नहीं तो बैठे उसके डर की मेरी तो बाहर बैठना पड़े सुसरे ताऊ कटवा देना जंबू है यहाँ काट लिकट जाओ तुम भीतर मूंद रखा हो तो क्यों रे यू के मामला था बोल देवा अरे मामला की बताऊं जो करवा सुसरा में रखना है बिजार नहीं होता आड़वे से डांडे के बाग के टक्कर मारी थी ये मेरे वाला जम्बू ने बेटी के का कोई जाता जट दाब ले मुझे नू बैठना पड़े ससुरा यहाँ सी निगासी पे इब देखे ना ये वाला क्यों कटरे खड़े थे देवा बल देवा नू तो जम्बू माल सुगाना जाना बंद ना कर दा गाड़ मुको मैं तो नू क्यों कोला अच्छी टिंडी रखे कर अपनी गली जम्बू को ठान खातर अरे नू तो मैं एक बल्ला दे रखा यहाँ सी पर बाजी पर ससुरा लिकड़ा जा हाथ में ऐसा है भाई मैं तो चल लू कदम बाहर निकल आया जम्बू हाँ भाई की तरह से सर हम भाई की बोले ये और निगाह होगी जम्बू काट बंद है तेरा किसान मेरा पहलवान है मैं नहीं तो चाह रहा जो तुम्हें तो हरा दिया ना बस सब हरा दिया बस ठीक है तो हरा तो दिया और लिया किसी को माँ को बुला लो अरे माँ ये एक बार और कर ले भरमसा कर ले रे कर ले अच्छी गुड़े ऐसी मांग रहा बस या प्रैक्टिस बना ले जंबू हाँ तू जरूर पिचका देगा अच्छी पिचका दूँगा की गुड़े अब की लाड मैं तेरे नाम होगा ना दे ठीक है माँ को बुला लो बुला ले जिसे भी अरे माँ ये आली अरे मैं तो भारी पड़ जाऊंगा मैं तो तेरे बालक हूँ कैसा भारी पड़ेगा तू लगा पहले दोनों दोनों आओ चलो चल पकड़ो हाथ अपने चल बोले लगा लगा लो एक दो तीन चार पाँच ये तो झटका पड़ेगा गया था मैं तो साबित उठ गया था इकेले का पंजा गिरा नहीं तम से जम्बू तेरी माँ का प्यार दूध का माँ बगा तेरे हाँ मजा लग रहा ठीक है माँ कुछ खाने को बना अरे माँ कद आऊंगा हाथी बापू लेके तेरा बापू हाथी लेना है जम्बू लग रहा तोड़ तो दिए ना हाथी आ गया की तेरे बाबा की पहचान ले आती अच्छा
तेरे काख में दिखा बाबा मारी धुआं समय मारी क्यों रे अरे ये तो अरे हत्ती को नहीं सूंड पकड़ के मारे कर था मारे तो ताजू सा कुछ खावा पिया तो लो बता बापू कहाँ फेंको बस फेंक दिए भी बस इशारा अंबू तजे स्थित आल दंगा करना बस गांव में कोई नहीं मिला तजे आल करवान खतर इसी से कसरत करूं आप बस इस तक कर ले क्यों रे और कौन आवेगा तेरी क्या लड़ जाना कोई भी ना आवे अग नहीं मानता इस टाइम फुल में फुल है जीव कोई था नहीं ना उसकी गैल भिड़न वाला उसने नहीं तो हाथी पाला था अब उसकी गैली वाला झपड़ जरूर जा था कोई पाए ना फिर वाला जनवाल बस तो ये बस वही काम कर देते वही कर दूंगा गांव में मानस ही कम आई ठीक है छोटे छोटे है नहीं मारी चक्कर का कोई है ना कोई भी ना हाथी चलाऊंगे काम चल तू यहाँ बैठी के देख रही है मैंने बता दे हाथी नूनिक में आया तीस लग रही एक घूट मड़ा सा नुआया सा घी कर लिया बापू घी मैं पी मैं 2 किलो अरे घी हम पी रहे मोटी आउरी तेरी माँ का पता नहीं क्या चक्कर के खा रही है इसमें तो जान भी घनी आ ली हाँ वो क्या कह रहा है वो भुब्बड़ बच्चा खा रही ठीक कह रहा हाँ बच्चा हर तरह घी नहीं पी रही तो घी का भी पता नहीं नुकसान ही कर रहे मेरे कुछ नुकसान नहीं जल लिया तू घी करेंगे इसी बार को भी नहीं थमया जाता हाथ कैल काम अकड़न लगे मेरे तो क्यों रे अरे सुनिए बलदेवा हाँ डे भाग्या अरे भाग्या क्या थोड़ी सिर सूजी कढ़ाई थी और तेल ले उठा के एक बार अरे ढाला ये तेल का कनस्तर कहीं ना भागता पर तू एक बात बता परसों केस आंग सा भरू हंडे दे मैंने सुना खड़े में जोत बालते फिर होता और एक टंडी पे लंगर से टांगू हंडो के काम जोड़ रखा तुमने किसी बात कर रहा रणबीर अरे जोत बाल के ढोल पिटवाएंगे तू नुमाइंद राग बहुई अंडे ये तेल का कनस्तर लेन लग रहा है बिठा के ढोल पिटेगा जम्बू के नात है अरे कुछ दावत पानी कर जाके एक कनस्तर तेल लावे अरे कैसी बात कर रहा दावत भी करेंगे बधाई गिरवाएंगे सारे काम होंगे तेल के थोड़ा चा एक तो तेरा ससुर तड़की उठती तेल पीवे कुछ गात के रगड़े जोत बत्ती बढ़ जा बस तेल तो चाऊ ही जा मैं तो एक जगह और भी कहा तेल मगर तेरे वाला छोरा भी भिड़न जोगा हो रहा है कैसी बात कर रहा रणबीरे 8 सूत के सरिया को नु दचौका देकर दोहरा कर दे दोनों छोड़ तेरा ससुर एक जगह मिला दे आंगा आ रहा नहीं को आंगे की तो यह बात है तेरा ससुरा है तो भी थोड़े दिनों का पर ईंट के कन्ने को तोड़ दे जो कर चार मत मानस गुड़ तोड़ दे अच्छा इस गात में कुछ घाल ले ठंड देख कितनी हो रही है हवा लग जाएगी अरे ठीक कह रहा हूं तेरे गात का नजर पजर ना लाग जा कैसी बात कह रहे के काम तुम्हारे नजर का घी खाने वाले मानसो के नजर लगती देखी कदी और तू गए ठंड हमें तो गर्मी लग गया तेरे ससुरे की तो चाचा जम्बो को काटना खाड़े में काटेंगे काटेंगे एक कंपनी सी घेरी बैठी दिल्ली की कुछ चेकअप से कर भी लेंगे कुछ रह रहे नू बता रहे 60 पावर में उसमें काटना पड़ा पावर हॉर्स पावर में मैं काट देंगे अभी तो फिर तो तेल गणना चाहोगा तो बाजार लिया अपना तो हाँ के सुसरा मानस मानस सुनी बल देवा की जिसे 60 पावर में मान रहा मैं और सहमत बतावे कि तेक साओ तेरे ढोंगू लोग कनिया वे एक दिन खाड़ पक ना कुछ देगा उसमें पर यू से पता ना कि जय दर्तमान जा तेल प्यार यार जम्बो हाँ तू इसे हर वक्त हाथी को हाथ में लिए रखे है अरे तेरा बाबा इसे बगल में देकर रखा था अरे मैं न्यू सोच रहा हूँ इसकी चट्टी पकड़ कर न्यू एक ही हाथ मार दूंगा इसे मैं मर जाएगा ये मर जाएगा चल ले कॉक में दे लूंगा मैं बापू कहाँ जा रहा बापू गया तेरा मुकदड़ लेना अलग जरा होगा वहीं पहले ठाठा के 2-4 बेरे देखेगा मुकदड़ को जब लावेगा आलिया देव आलिया क्या कर रहे तुम कुछ भी कर रहे हारी बाट देख रहे
मैं तो वहाँ भी झुलाई फिर मुकू मगल एक बार जैसा पहले मैं से ठा के लिया करू था फवी जाऊ था अति में ठह लिया गामो को देखा तीन चक्कर काट के काट दिए तो ही सुक्का सा पर हंगा बहुत है तो कैसे झेल आयो आदमी रे जंबू इस तेरे बाप पे मेरा पंजा तो गिरा नहीं वाह मैं पंजे का तो पता नहीं पर इस मुख दड़कू चाहे तो मारम ठाक रहा था और चाहे बसी मम्मी ठावे और तो कोई है नहीं ऐसा मजा लगता भी नहीं और जब मन ठा के तेरे सिर पर दर्द ही मुख दड़ फिर के देगा ओ दाता देवी मारे पे देने को कुछ नहीं या बाबा मारम की मुख दड़ है तू इसका हाथ न लगाती न ठा दूंगी मैं हम नु कह रहे थे ठा दी बस इसके तो बाबा मारम का हाथ लगा था मारा और दिमाग खराब करिए ना आगे भी तै एक बार कह दिया ना झुट्टी हो जानू या मुगदड़ जो बीरबल नहीं कुछ कहते लगा अंकल जी जरा सुनिए ये जंबू पहलवान का घर कौन सा है अच्छा जंबू हंगाक का घर पर नू बता तुझे के काम है अंकल जी मैं दिल्ली से आई हूँ उन्होंने कुश्ती में अपना नाम लिखवा रखा है हाँ अच्छा अच्छा लग तो रहे वे तैयारी पे और उन्होंने खड़ा भी खोद रखा और रोज मेहनत कर रहे हैं तो घर बता दो आप वो जो मोड़ दिखाई दे रहा ना इसे कूद तुई उल्टे हाथ पे चौथा घर है उनका ठीक है अंकल ठीक फिर मैं मत लगवा लिए इनते ही खेल रहे हम तड़की सांझ जंबू हंगा का घर यही है हाँ आ जाओ नमस्ते माता जी नमस्ते अंकल नमस्ते बैठो बेटी तू कहाँ से आई है मैं दिल्ली से आई हूँ ये जम्मू पहलवान कौन है जिनका ओलंपिक में नाम लिखा हुआ है मैं हूँ मैं अच्छा तो आपका कुश्ती महासंघ में नाम लिखा है हाँ लिखवा रखा तैयारी कर रहे लड़ेंगे पहलवान गुनू भिजवानू यू ये क्या जम्मू जम्मू यू ना जम्मू तो मैं हूँ यू तो हाथी है कैसे खा रहे हैं कद किए हुए कुश्ती सी ये बापू बेटे तो थम रहे नहीं हटे जा रहे हैं नू कर रहे हैं बस कद कुश्ती और कदम अखाड़े में कूद दे देखो जी ये जो जम्मू हंगाक है इनके कुछ चेकअप होने हैं अच्छा चेकअप करवा ले तो कुछ भी होता हो पर भीड़ तो की टाल ना हो गया अरे साथी को ज्यादा मत भीचे इसकी आंख लिकड़ा हो रही है नहीं मां आंख ही तो काढ़नी है इसकी टैटी ऐसी दबाए रखे है हर वक्त देखो जी हाथ दिखा रहे थे चेक करवा अरे इनके हाथ तो बहुत सख्त हैं इतने टाइट हाथ क्यों इनके टाइट हाथ सब दिन सरिया मोड़ियो जा गाटर को नू कर दे दो रखे रखे में हाथ नू ही मजबूत ना भर भर कटोरे घी के प्यार रखे हाँ। पानी की घूंटी नहीं भरता दिन में कोई एक बार भी जो प्यास लगे घी पीवे अगला अच्छा हाँ वे पेड़े काटर चल दिखाऊं पां धर के नू शुद्ध कर दे हाँ। सरिया को नू लपेट दे हाथ को दोरा कर कर गिरू जा इनकी टक्कर का कोई हो पहलवान कुश्ती में तो जाएगा मेरा जम्मू और इनकी टक्कर का ना होगा तो मेरा जम्मू बिल्कुल नहीं जावे यहीं रहूंगा और हाँ आपके गांव का कोई चीनू पहलवान है उसका भी नाम लिखा हुआ है हमारे ओलंपिक में चीनू उसे तो चीनू बड़ा खा जाऊंगा चीनू किसी बड़े पहलवान को डाउ चीनू बाहर का होगा मेरे गांव का ना होगा मेरे गांव में तो कोई है नहीं मेरी जो कोई भी हो एक बार भिड़ लो देख लो थारी टक्कर का हो तो लड़ लियो थारी टक्कर का ना हो तो अपने घर को आ जाइयो ठीक और उनका घर कहाँ पर है वो गांव में आते जाते नहीं है क्या यहाँ तो कोई चीनू पीनू नहीं आता जाता है होगा कोई वही धोखे में नाम लिखा गया होगा हमारे गांव के नाम के कई गांव है कभी बाहर का हो कहीं का देखो हमारी नहीं गांव में यहाँ कोई ऐसा है नहीं माई टक्कर का तो कोई है ही नहीं और होएगा भी तो देख लेंगे चलो जी ठीक है अब मैं चलती हूँ जब कुश्ती की डेट आएगी उसके आस पास फिर मैं चक्कर लगाऊंगी ठीक ठीक है जी नमस्ते जी नमस्ते ले जम्बो से दे ले अब कुछ खा पी भी लो थक गए होंगे हाँ भूख भी लगी बस आराम से जम्बू ढोल पिट रहा ठठू आवाज आ रही है चले कहाँ चले यहीं बैठ जा चुप होली के ढोल पिट रहा हूँ
अरे दंगल का ढोल पीट रहा वो, साल भर का तुआ रहे होली पे बड़ा दंगल पड़े, जी करे जान को तो सब जाएंगे, हम जाएंगे। तुम क्या करोगे वहाँ, यहीं रहो। पहलवान है, कुश्ती देखने जाएंगे, कुश्ती लड़ने भी जाएंगे। हाँ कहीं नहीं जाना, घर रहो अपने दोनों बापू बेटा। अरे साल भर का तुआ रहे होली पे माँ दंगल पड़े, हमारी पखर पर होगी टिकरी, जा लेने दे ना, यहीं रहो। अरे माँ जा लेने दे, हम किसी कुछ ना कह रहे। अरे मुझे तुम्हारी सब पता, घर पे थमाना जाकर बेकार में किसी के हाथ पांव तोड़ जाओगे। अरे जालन दे, मान लिया करे किसी बात को, तू आ रहे होली पे बात नहीं थमता जी। अरे तुम रस्ते में बीच में आलज बैठोगे, किसी से मान जाओ दंगल तक पहुंचोगे बिना वहाँ। अरे नाज हम किसी से मूसा ढक के चले जाएंगे खाटे में। एक काम करो, दोनों यहाँ बैठ जाओ। बैठ जा रहा जम्बू भाई, यहाँ बैठे बैठे तुम मट्टी रगड़ रहे हो हाथों के, थम जाओगे तुम वहाँ। अरे जम्बू रहने दे, जब तेरी माँ का जी गवाही नहीं दे रहा तो तू रहने दे दंगल में जान को। बापू ढोल की आवाज इतनी बड़ी आ रही है कि चलने को जी करा, ऐसा करूँ जाऊँ। तब मानो ही ना हो, मैं भी बाहर की कुंडी लगाऊ, फिर देखो तुम कहाँ को निकट जाओ, मुँह नहीं डटो तुम। छत पर चल, ढोल घने ठठू के बज रहा, बस जी थम नहीं रहा, चल टिकट ले, वो पीछे कूद जाएंगे, चल कूद जाएंगे, चल। जिंदाबाद। बच्ची नू घना भेजिया हो गया, थारा ओलंपिक का नंबर आ गया। अरे क्यों गांव में जम्मू है ना अंगाग, इसने भी गांव का दो भर कर रखा, गाल में कुल्ली कटने पड़ने भी बंद हो गए जाकर। अच्छा हाँ, ओह चीनू पहलवान जिंदाबाद, 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 चीनू पहलवान। अरे जम्बू या के मार दिए रे, चाचा कौन थे? अरे ये तो जम्बू अंगाक है, हरीश का बापू था। अरे क्या बात होगी, कैसे ओंधे पड़े तुम खाट पे? अरे तू फिर बूझ ले, गाल में देख के बिड़ा खेड़ी एक हो भी रही है, बताओगे भी उठ के? ओ बापू हाँ, तू मुझे भी कपू आ रहा की गुड़े। अरे जड्डा लग रहा घना कुडाला मेरा, तू किसी बात फिर मेरे बुखार चढ़ने का ढंग हो रहा। चीनू पहलवान, चीनू पहलवान, चीनू पहलवान, चीनू पहलवान, चीनू पहलवान। चाचा अरे बैठ तो, ये लंबिडसी यहाँ लिखे या? अरे बलदेवा क्या बात होगी? ओ भाई तू इस लंबिडसी को ले जान करते चाहिए। हाँ भैया क्या काम था? यो चीनू पहलवान है, इसका भी ओलंपिक में सिलेक्शन हो गया, ये तो मिलना आया था इनके। ओ भाई तू ले जैसे हम मिल रहे इनके। अच्छा अच्छा ये है चीनू पहलवान जम्मू, अरे तेरे से मिलने आया है चीनू। अरे माँ तू ही मिल ले इनसे, मैं तो गली में मिल लिया। अरे बैठा तो हो जा तन्नक। अरे मिल लिया, हम गाल में मिलने लिए के, तू बात कोई नसी मंजरी पता ना के उसे कर दू जाएगी। कोई आदमी इतनी दूर से मिलने आया था, मैं तो बोंदे पड़े बात को नहीं समझ रहे, इतने बड़े पहलवान बैठे हो। हम ना मिलते, ना मिलते जी, हम एक बात को समझे नहीं, अड़ाऊ जा गई हमें। मेरा उसे सड़क सी लगन लग रही मुझे। अरे मैं तू ना भेजती कौन आए खामो का खड़े यहाँ दे दे। ओ बापू हाँ गया के देखू जम्बू यही फिर तब भैया तुम जाओ, अभी इनका मूड ना थार से मिलने का, खामा खाए उठ के फिर थार से गुस्स मारेंगे, बेकार तुम चले जाओ अभी। ठीक है तो चाची कोई बात ना, हम बाद में मिल लेंगे इनसे। ठीक है भैया। ओ भाई तू जा, बात बूत का कोई चक्कर नहीं, हम वहीं आ जाएंगे मिलन जी, मरा मौका लगेगा। चल बच्ची नू अरे अब तो बैठे हो जाओ, अब तो वे गए बापू। हाँ एक एक ड्राम घी पी गए, अरुणा देख के तुम नीचे पड़े हो मुंडी काट दे। गए के अच्छा क्यों रे अरे मेरा तो बीपी से डाउन हो रहा,
हम डर गए थे उससे। अरे नहीं डरते क्यों, हम मानस तो जब भी देखा जाओ तो के पता की सोच रहा मेरी तबीयत सी खराब होगी ना खा के पटक देता मैं यहीं। हां क्यों रे बार रहन दो तुम पटक देते। अरे मानस तू तो पटकते तू की कोई पटक जा तू हाथी को तो ठाला देख के डाल पड़ा ऊपर को पा करे की होरे एक दिया हाथी तो मन ले ले उठा के अब तो मैं सच्चे बुखार चढ़ गया के डंडा चढ़ गया मेरा थोड़ा। माताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा आना हुआ बता। माताजी कुश्ती की डेट आ चुकी है, जम्बू को भेज दो। जम्बू को चढ़ रहा बुखार और गैल में इसके बापू को भी चढ़ गया। तो फिर इनकी ताल है भाई है बस की कोई सके जाना मनुकारी कर लेते हिम्मत से। वे तुम्हारे लिए दोनों, अब तू कहे तो मैं चल सकूं। माताजी आप नहीं जा सकती, नाम तो इनका लिखा हुआ है। भाई लेडीज होगी हो कुश्ती वहां तो मैं चलने को तैयार हूँ। माताजी ऐसे लेके नहीं जा सकते ना, वो तो पहली डेट फाइनल होती है। अच्छा बस तो टाल है इनकी ओर से, इनकी तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है दोनों की। अब बता किसको भेजू मैं तेरी गैल। फिर माताजी इनकी क्लियर मना है ना आए है बस इनकी तो। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। अरे और क्यों करो क्लियर, जब हमने साफ कह दिया हिम्मत नहीं मेरे में बिल्कुल भी। टाल है मेरी। अरे तू जाके जम्बू बता दिए मेरी टाल है, मां को भेज दे मां लड़िया वो लग। साफ है मेरी है टाल, हम बिल्कुल नहीं जा रहे। अब क्या करोगे तुम दोनों। अरे करेंगे तो पहलवान ही, पर तू उसे जा लेने दे। करे वो मुझे मना करगी नहीं तो अवार्ड में ही जीत कर लाती, मुझे भेज देते थे तुम वहां कुश्ती में। हाथी के भी आए वहाँ।